कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं। आज का बिहार आप लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या था 2005 में बिहार में, और एक तरह से बिहार के नए निर्माण, बिहार का नया निर्माण उन्होंने किया है। बिहार के हर तबके के साथ न्याय किया करने का काम किया है। तो ये सब काम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो किसके रास्ते पर चल कर, सम्राट अशोक के रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट अशोक का यही सपना था और इसी सपने को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को अपने लक्ष्य पर ले जाने का काम करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे, हम तो एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार की जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। क्या किया उन्होंने बिहार में, जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया 20% पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी सेवाओं में दिया, 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो उन्होंने जीविका समूह चलाने का काम किया, ये क्या है? ये उनकी ताकत है नीतीश कुमार जी। आज सभी पार्टी के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग की ओर टकटकी लगा के देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की तरफ देखता है और जिधर नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो अपना वोट जाके गिरा के अपने काम पर चला जाता है। बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम उन्होंने किया, बिहार की महिलाएं आज किसको देखती हैं? बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को देखती हैं। 50% का आरक्षण पंचायती राज में, 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, बिहार में महिला पुलिस बटालियन, आप लोग भी घूमते हो, आज जिस शहर में चले जाइए, जिस थाना में चले जाइए, सैकड़ों के संख्या में आपको महिलाएं पुलिस नजर आएंगी। ये किसका देन? ये किसका देन? नीतीश कुमार जी का देन। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, दलित वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं, तो इसलिए ये ताकत है।